हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीपक शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, एप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड यूनिट ऑफ एनर्जी साइंस। सेकेंड यूनिट एनर्जी साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सेकेंड यूनिट का जो नाम है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टॉपिक की आज हम जो बात करेंगे वो है फंडामेंटल फोर्सेस एंड यूनिवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन सेकंड यूनिट में आपके एकेटीयू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल फोर्सेस फोर्सेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे। तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस विच एक्ट इन द यूनिवर्स। हम अगर चार तरह के फोर्स की बात करें तो हम बात करेंगे फोर फंडामेंटल फोर्स, एफ फोर फोर्सेस। पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड फोर्स है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स और लास्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, यह है वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, ये सेकंड वीकेस्ट यानी वीकर बोल सकते हैं, वीकर आफ्टर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। आज हम चारों फोर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज समझेंगे कि इन फोर्स का यूनिवर्स में क्या इम्पोर्टेंस है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो फोर्स है दैट इज फर्स्ट, हम फोर्स की अगर बात करें और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है। क्या बताया, इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में लगने वाली किन्हीं भी दो बॉडियों के बारे में ये डिस्कस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स बताता है कि इफ दो बॉडी की बात कर रहे हैं,
ये दो बॉडी हैं, ये बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी ये इट हैज मास m2, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, r इज द डिस्टेंस between these two bodies m1 and m2, then the force of attraction, ये कैसा फोर्स है, if two bodies of masses m1 and m2, then the force attracted between two bodies that is directly proportional to the product of their masses, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. Agar dono ko combined kar de equation 1 and 2 ko to kya ban jayega, from equation 1 and 2 equation 1 aur 2 ko add kar de to f is proportional to m1 m2 upon r square, ये इक्वेशन बन जाएगी. और हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए लिखते हैं f इज इक्वल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. तो ये जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जितनी भी संसार में जितनी भी यूनिवर्स में दो बॉडीज किन्हीं भी दो बॉडीज के वजह से लगने वाला फोर्स है. तो दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, पहली चीज तो ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग होता है नेचर में. नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिंग. और पूरी पूरी की पूरी यूनिवर्स में लग रहा है, यानी ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में और पूरी की पूरी यूनिवर्स में लग रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज्ड फोर्स. तो ये फोर्स की दो मेन क्वांटिटी हो गई, पहले तो यूनिवर्स में किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, दूसरा अट्रैक्टिंग फोर्स है, तीसरा लॉन्ग रेंज फोर्स है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्वालिटी हो गई. तो ये अट्रैक्टिंग होता है और दूसरा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स. और एक और बात मैंने बताई थी, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये पहले भी लिख चुका हूं मैं, वीकेस्ट फोर्स. वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिंग है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इसकी स्ट्रेंथ 6×10⁻¹⁹ होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स से. अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स से कंपेयर करें तो 6×10⁻¹⁹ इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, हमेशा अट्रैक्ट होता है ये नेचर में. तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए. अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे. दूसरा जो फोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स. क्या नाम है उसका, वीक न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स की बात आएगी तो हमेशा समझने की बात है, एक तो बीकर फोर्स है, पहली चीज कैसा है, बीक से ही नाम समझ में आ रहा, बीकर फोर्स. और दूसरी चीज ये न्यूक्लियर फोर्स जितने भी होते हैं दोनों के दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं. कितने, शॉर्ट रेंज फोर्स. तीसरी बात, ये 10⁻¹⁸ मीटर के ऑर्डर में लगने वाले फोर्स होते हैं. जितने भी पार्टिकल्स इस ऑर्डर में पाए जाएंगे उन सब पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये कैसा भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी. इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैसा भी हो सकता है. तो ये जो फोर्स होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर
डीके ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डीके के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी का लगातार एमिशन होता हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीके। तो न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर ये डीके होता है, तो ये हमेशा न्यूक्लियर डीके के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और न्यूट्रिनो इंटरेक्शंस ये हमें देता है। और वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। और ये बीटा डीके में ये देखा जाता है, बीटा डीके के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, शॉर्ट रेंज फोर्स है और इसकी रेंज बहुत कम है, कितनी है 10^-18 मीटर की रेंज, इस रेंज में लगने वाला फोर्स है। तो इस रेंज में जितना भी फोर्स लगेंगे वो होंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जो नेक्स्ट फोर्स है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड फोर्स। अब हम बात करेंगे तीसरे फोर्स की, जो थर्ड फोर्स की हम बात करने वाले हैं वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट दिया था आप जानते हैं सभी, 1857 में के बाद ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ चलती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट जब मैक्सवेल ने दिया तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो फोर फंडामेंटल इक्वेशंस पर बेस था, और वो चारों फंडामेंटल इक्वेशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन बोलते थे और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी। तो चारों इक्वेशन में पहली गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती थी, दूसरी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, थर्ड इक्वेशन वाज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फोर्थ वाज द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एम्पियर्स लॉ, दिस इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो ये फोर फंडामेंटल इक्वेशंस की बात हो गई। अब अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में लगेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में भी लग सकता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी सकता है, तो इसके पेयर बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो इनके बीच में ये फोर्स लगेगा तो ये कैसा हो सकता है, रिपल्सिव एज वेल एज एंड अट्रैक्टिव, दोनों तरह का नेचर रखेगा। और यही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो अगर मैं बात करूं जैसे मैग्नेट की बात करूं, नॉर्थ और साउथ पोल दो तरह के पोल होंगे, तो नॉर्थ और साउथ, तो ये या तो हम दो पोल को एक साथ ले जाएं तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में, साउथ नॉर्थ के बीच में ये फोर्स लगेगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दैट इज ऑल्सो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है और रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये कैसा फोर्स है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये कैसा फोर्स है, सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स का सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1/137 रिलेटिव टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। रिलेटिव टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो गई। और तीसरी चीज, ये कैसा फोर्स हो गया, लॉन्ग रेंज। ये फोर्स होगा लॉन्ग रेंज फोर्स, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बीकर होता है। और ये दोनों तरह का नेचर रखता है, कह सकते हैं दोनों तरह का नेचर का मतलब आपके समझ में आना चाहिए, एट्रैक्टिव नेचर एज वेल एज रिपल्सिव। ये एट्रैक्टिव एज वेल एज डिपेंड्स ऑन चार्जेस एंड पोल्स के बीच में जैसा होगा उसी हिसाब से डिपेंड करता है। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है और इसी तरह का ये फोर्स होता है। तो ये हो आपका इस आपका जो फोर्स हो गया इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे तीन तरह के फोर्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला जो फोर्स था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि ये कैसा फोर्स है, ये इस जो फोर्स है दैट इज वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और किन्हीं भी यूनिवर्स में दो बॉडीज, देखिए ये जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे ये अर्थ और मून के बीच में भी लग सकता है और किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में। अगर जैसे मैं अर्थ पर कोई बॉल को ऊपर से फेंकूं, ऊपर से बॉल को जब मैं उछालता हूं तो बॉल के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है और अर्थ के ऊपर बॉल एक फोर्स लगाती है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होता है उसी साइड में अट्रैक्शन हो जाता है। तो मास ज्यादा होता है अर्थ का तो बॉल को अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे ही मून्स की बात करूं मैं, मून तो मून को भी अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ हमेशा जितनी भी बॉडी है सबको अपने सेंटर की ओर खींचने की कोशिश करती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ का जो फोर्स था उसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आपका हो गया तीन तरह के फोर्स हो गए। दूसरा हमारा जो बात थी वो थी कह सकते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसका ऑर्डर 10^-18 मीटर, इस रेंज में जितने भी पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिकेज के लिए। अगर न्यूक्लियस का डिके होता है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर से कंटिन्यूसली एनर्जी का एमिशन होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी का निकलना ही इसी फोर्स की वजह से होता है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल निकले, चाहे वो बीटा पार्टिकल निकले, चाहे वो गामा पार्टिकल निकले। तो इस तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा चार्जों की वजह से, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह के चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हो सकता है। दूसरा ये जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में लगता है पोल्स की वजह से, तो ये फोर्स जो है अगर लाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्टिव हो सकता है, अनलाइक पोल्स है सॉरी लाइक पोर्स हैं तो रिपल्सिव हो सकता है, अनलाइक पोर्स हैं तो अट्रैक्टिव नेचर में हो सकता है। अब हम अगला जो बात करेंगे दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डिस्कस होगा अब लास्ट। तो लास्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। पहली चीज फोर्स,
हम कह सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फोर्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में लगने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इसकी जो रेंज होती है 10^-15 meter की होती है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डायमीटर होती है। तो न्यूक्लियस की डायमीटर के बीच में लगने वाला फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर होल्डिंग न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इनको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो फोर्स होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखने के लिए होता है। ये बेसिकली अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है, पहली चीज ये अट्रैक्टिव होता है, लेकिन और कभी कभी ये रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ये हो गया वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, ये कैरी करता है ग्लुऑन। किसको कैरी करता है, ग्लुऑन, GLUONS, ग्लुऑन्स को कैरी करता है। और यही इसके पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ग्लुऑन्स का जो कैरी करता है, ठीक है। तो टू पार्टिकल जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये फोर्स जो है कैरी करता है, ठीक है। तो दिस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, कैरी करता है ग्लुऑन्स को कैरी करता है। और ये क्वार्क इनसाइड द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहां हम कह सकते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टुगेदर, एक साथ, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया, तो यानी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखना है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पेयर बना सकता है। तो ये जो फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। रेंज इसकी 10^-15 meter है, तो यानी बड़े शॉर्ट रेंज फोर्स है। यानी शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही कम रेंज, यानी केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर या बाइंड रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए न्यूक्लियस की अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है, इसी फोर्स की वजह से न्यूक्लियस अपनी बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उसको। तो देखिए न्यूक्लियस होल्ड करता है न्यूक्लियस के अंदर उसकी बाइंडिंग एनर्जी। अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उससे कम हो जाए तो न्यूक्लियस को छोड़ के प्रोटॉन, प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़ के निकल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटम का कंसिस्टेंस ऐसी तरह का होता है कि एटम 3 main particles से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर राउंड लेते रहते हैं। तो इस तरह से एटम्स का आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे 4 तरह के फोर्स हो गए हैं। एक पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, इनफाइनाइट रेंज फोर्स है, शॉर्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, और दूसरा फोर्स था वीक न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है,
और ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि ये केवल केवल न्यूक्लियस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितने भी दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, एक डिके के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यानी न्यूक्लियंस को रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बाइंडिंग, बाइंडिंग करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर, और ये ग्लूऑन्स के द्वारा कैरी करता है। तो हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट है, और ये चार हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको रिपीट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।